ओके तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में हम विजुलाइजेशन पार्ट करे थे, तो हमने आपके ऊपर दो लाइनिंग विजुलाइजेशन बताया था। तीसरा जो है विजुलाइजेशन, चलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे में हमारा आता है वाटरफॉल चार्ट। सबसे पहला तो वाटरफॉल चार्ट पे एक बार इसको रखते हैं और हम वाटरफॉल चार्ट में बनाते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि वाटरफॉल चार्ट करता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं नेम बाई और क्वांटिटी का टोटल देखना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए ये है आपका वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, सबसे पहले इसे टोटल दे दिया, ठीक है, और इसने बताया कि कैसे कैसे टोटल इसने बढ़चढ़ा है सीरी फॉल की तरह, कि पंकज का इतना था, 28 था, और इसका इंदर का कितना हुआ, 25-88। तो पंकज और इंदर के बीच में 28-88, 25-88, 26 और धीरे धीरे कम रहा है, दिख रहा है ना सर, कम हो रहा है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जितने भी नेम पर्सन्स है सबको, सबका टोटल निकालता है एंड उसको शॉर्ट कर देता है, समझे। तो सबसे नीचे है इसका मतलब उसने सबसे ज्यादा सेल किया है, उससे कम। इसे एक और चलता है, इससे एक और चीज पता चलता है कि टिल्ड पंकज तक कितना सेल था। अभी जैसे ये आपको दिख रहा है 40K तक दिख रहा है ना, क्योंकि ये 10K का डिफरेंस है। अगर आप उसको और कम करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको ये वाई एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है जी, तो वाई एक्सिस पे जाएंगे, लेफ्ट स्टार ऑटो। तो स्टार्ट हम जीरो से करना चाहते हैं, एंड जो है हमारा 40,000 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 40 क्या आ गया जी, कलर साइज और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट मिलियन, सही ऑटो है, सही शो टाइटल एक्सिस टाइटल दिन। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया हुआ कि कैस कितना का डिफरेंस होना चाहिए, एक मिनट देखिए। स्टार्ट जीरो से है, पोजीशन लेफ्ट में, एंड यहाँ पे जाएगा इनवर्ट एक्सिस। अच्छा, इन्वर्ट करने पे ये बदल जाता है, और ये आपका कलर हो गया, साइज, ये आपका फॉन्ट हो गया, डिस्प्ले यूनिट हो गया, टाइटल देना है नहीं देना है, गाइडलाइन चाहिए नहीं चाहिए, कलर एक्सिस टाइटल में बाय डिफॉल्ट है, क्वांटिटी साइज। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं दिया गया है कि आप इनके बीच का जो टोटल है, इसे हम लोग इसमें एक्सेल में करते हैं ना, वो कितना होना चाहिए, डेटा लेवल डालेंगे तो डेटा लेवल आ जाता है आपका। सर दोबारा बताइए, आपकी आवाज़ कट गई थी। सर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप एक्सिस में स्टार्ट एंड कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में 10K का दिख रहा है ना आपको, 10K का डिफरेंस है, 10K का डिफरेंस जो है वो 10K का डिफरेंस रहेगा। इस डिफरेंस को जैसे हम एक्सेल में चेंज कर देते हैं कि हमें कितना चाहिए, सो यहाँ ये चीजें यहाँ आपके पास नहीं है, समझे। ठीक, ये चीजें यहाँ पे नहीं है, क्लियर सर। ओके सर, तो वाटरफॉल चार्ट समझ में आ गया क्या होता है जी सर। अब कुछ लोग वाटरफॉल चार्ट में क्या करते हैं कि डबल डबल रखते थे, जैसे एमआरपी को भी उठा कर रखते, समझे। तो इससे क्या है, इससे आपका जो है एमआरपी को इसने उठा कर रख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं, वो टूल टूट में चला गया। अब वैल्यू में अगर एमआरपी रखते हैं यहाँ पे, तो एक वैल्यू के अंदर में एक फील्ड में एक ही रखता है, दो रखता आपको ड्रॉप ही नहीं होगा, दिख रहा है। ब्रेक डाउन में रखना चाहे तो ब्रेक डाउन में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए ब्रेक डाउन जो हुआ है ये आपका अदर हो गया, तो ब्रेक डाउन में कुछ और रखना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ ब्रेक डाउन में सिटी रख देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हर सिटी का फ्लो चार्ट अलग अलग फ्लो चार्ट बना के दे दिया, दिख रहा है आपको सर जी। हर सिटी का ब्रेक डाउन चार्ट इसने अलग अलग बना के दे दिया,
या फिर मान लीजिए मुझे सिटी को हटा के एरिया का, क्योंकि एरिया हमारे लिमिटेड है इसलिए बोल रहा हूँ, हमने ब्रेकडाउन में एरिया को डाल दिया। जैसे ब्रेकडाउन में हमने एरिया को डाला, क्या हुआ आप देख रहे हैं कि हर एरिया का, यहाँ पे देखिए पंकज ईस्ट में, ये देखिए ये जो पंकज का टोटल है, ये जो दिख रहा है पंकज का है चार, पंकज का ईस्ट में क्या था, नॉर्थ में क्या था, वेस्ट में क्या था, सेंट्रल में क्या था, और फिर इसने फिर इंदर का स्टार्ट किया, देन इंदर का पूरा वेस्ट वाइज किया। तो ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो आप ब्रेकडाउन में फीचर रखेंगे उस फीचर्स के अकॉर्डिंग अपना वो अलग अलग चार्ट एक ही चार्ट में कई पार्टीशन कर देता है। समझ गए? ओके सर। अच्छा सर, इसमें ये नहीं है कि अगर एक से दो या दो से तीन हम देखिए वाटरफॉल चार्ट जो है, वाटरफॉल चार्ट समझ जाइए, वाटरफॉल चार्ट क्या है, वैल्यूज में एक ही को एक्सेप्ट करता है, दो को नहीं एक्सेप्ट करेगा। समझे? ओके, पहले चीज समझ लीजिए। उसके बाद मान लीजिए हम नेम में दो रख देते हैं, फिर भी उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला, वो पहले वाले को ही लेगा जो सबसे ऊपर वाला है। अगर मैं सिटी ऊपर रख दिया, सिटी वाइज यहाँ पे देखिए सिटी ऊपर रख दिया तो यहाँ पे आपका सिटी वाइज आ गया। तो जैसे कि आपका ये सेम ये चार्ट होता है ना, पाई चार्ट भी होता है, जो कि एक ही को, एक ही एक्सिस को, एक ही फील्ड को एक्सेप्ट करता है, एक से ज्यादा फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ गया? समझ गया सर। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, ये आपका वाटरफॉल चार्ट था।